आज हम पेनी स्टॉक के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस तरीके से आप थोड़ी सी मेहनत करके से पेनी स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आने वाले समय में एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकते हैं। लेकिन यह फाइंड आउट करने से पहले आपको यह जानना होगा कि आखिर ये पेनी स्टॉक होते क्या हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो पेनी स्टॉक का नाम सुन के हमारे मन में ये आता है कि जैसे कि पहले जो बिग इन्वेस्टर है हमारे यहाँ के, है ना, उन्होंने जैसे कि 8-9 रुपये में मान लीजिए कि कोई सा स्टॉक खरीदा था और वो आज 800-900 रुपये में ट्रेड कर रहा है ना, तो हमारे मन में भी यही चल रहा होता है कि यार काश हमारे पास भी ऐसा स्टॉक होता कि जो आज हम उस समय इन्वेस्ट करते और आज हमारे पास 800-900 में ट्रेड कर रहा होता, या फिर आज ऐसा कोई स्टॉक मिल जाए जो कि आने वाले समय में कम से कम 10 से 100 गुना तक बढ़ जाए, है ना। स्टॉक इसीलिए फाइंड आउट करना चाहते हैं ताकि वो एक अच्छा खासा रिटर्न न दे। लेकिन दोस्तों, हमें यह जानना होगा कि पेनी स्टॉक की रियलिटी में आज के समय के अनुसार डेफिनेशन क्या है। मान लीजिए कि किसी इन्वेस्टर ने पहले आज से 10 से 15 साल पहले जो पेनी स्टॉक 8 से 9 रुपए में ख़रीदा था, तो दोस्त उस समय जो ख़रीदा था उस समय 9 रुपए काफ़ी बड़ी वैल्यू थी। आज जैसे कि हम 9 रुपए के पीछे उनको ही लेके चल रहे हैं, जैसे कि जितने आप जितना सर्च करोगे सारे यही बताएंगे, पर रियलिटी में इसकी वैल्यू कोई भी नहीं बताएगा कि आज के अनुसार पेनी स्टॉक की डेफिनेशन क्या है। क्या उस समय के अनुसार ही रहेगी क्या हमेशा कि 9 रुपए से नीचे का या 10 रुपए से नीचे का पेनी स्टॉक है, जो कि ये गलत है। अगर ऐसे सर्च करोगे तो आपको कभी कोई सा ऐसा अच्छा स्टॉक मिलेगा ही नहीं, और इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि हम वो 10-20 रुपए के नीचे के स्टॉक में उलझे पड़े हैं कि वो कब ऐसा स्टॉक मिले, है ना। लेकिन उन्होंने जब इन्वेस्ट किया था, मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने 10 से 15 साल पहले, उस समय जो 9 रुपए की वैल्यू थी आज के समय के अनुसार आपको कैलकुलेट करनी होगी। और ज़्यादा नहीं तो भी अगर उस समय के 9 रुपये आप मिलाएं और आज के 50 रुपये, तो लगभग उसी रेंज में बैठते हैं। मई के 9 रुपये और आज के 50 रुपये दोनों को आप मिला लीजिए, लगभग लगभग सेम चीज़ होती है। आज से 10 से 15 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो उन्होंने उस समय जो 9 रुपये में ख़रीदा था, ये मान लीजिए कि आज के समय में लगभग 50 रुपये का स्टॉक ख़रीदा था। हम सिर्फ 9 रुपये के चक्कर में है कि 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये, जो कि एक गलत है, आपका कैलकुलेशन बिल्कुल गलत है। तो सबसे पहले तो आपको क्या डेफिनेशन चेंज करनी है। अब मान लीजिए कि आपने ये डेफिनेशन चेंज कर ली कि यार अब ये पेनी स्टॉक हमें मतलब आज के अनुसार जो डेफिनेशन है कम से कम 60 रुपये के नीचे के जितने स्टॉक है, मेरी कैलकुलेशन के अनुसार कि 60 रुपये से नीचे के जितने स्टॉक है वो मेरी नज़र में एक पेनी स्टॉक ही है। अगर उनमें सर्च करोगे तो आपको 101% ऐसे 4 से 5 स्टॉक तो ज़रूर मिल जाएंगे जो कि आने वाले समय में एक बहुत अच्छा खासा रिटर्न देंगे आपको। पहले तो आपको ये चेंज करना है, तो भी मैं आज आपको ऐसा बताऊंगा जिससे आप आसानी से आप चाहे तो 10 पैसे के स्टॉक का भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये मल्टीबैगर बनेगा नहीं बनेगा। मान लीजिए कि बनेगा, है ना, तो उसकी प्रोसेस कब से चालू होगी। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि फ़ाइनल बन ही जाएगा, लेकिन उसकी जो इनिशियल स्टेज रहती है, क्योंकि हमें सबसे पहले फ़ाइंड आउट करना है। मान लीजिए कोई पेनी स्टॉक है तो सबसे पहले फ़ाइंड आउट करके उसमें एंट्री लेनी है ना। न्यूज़ वगैरह ये सब बात की पिक्चर है, उनसे कोई मतलब नहीं है। हमें तो उसके पहले पता होना चाहिए कि ये पता कैसे लगेगा। तो मैं आज वो तरीका बताऊँगा आपको, सिंपल है ये, बहुत सो को पता भी है, लेकिन आज ये क्या है कि आपको पूरा एक्यूरेट किस तरीके से करना है ये। तो सबसे पहले तो हमें वो लिस्ट चाहिए कि भाई ये पेनी स्टॉक में तो काफ़ी स्टॉक आते हैं, एक एक के नाम भी नहीं पता हमें, कुछ भी नहीं पता। तो सबसे पहले तो हम वो लिस्ट देखते हैं कि वो लिस्ट कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। आपको जाना है NSE की साइट पर, जैसे कि यहाँ पे गए हम, है ना। तो NSE की साइट पे जैसे ही जाओगे, यहाँ पे ऑल रिपोर्ट पे, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये विंडो खुल जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन पे जाना है ना, वॉल्यूम एंड डिलीवरी पोजीशन, इस पे गए। आपको यहाँ पे फुल डाउनलोड करना है। ये फुल डाउनलोड करोगे तो आपके पास एक्सेल में इस तरीके की एक ये टोटल स्टॉक उनके नाम और ये आ गए टोटल, है ना। अभी ये टोटल आ गया आपके पास, इस तरीके से लिस्ट खुल जाएगी। अब हमें सिर्फ इसमें चाहिए इक्विटी के स्टॉक, है ना। तो सबसे पहले तो आपको क्या है, यहाँ पे फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। तो आपको सीरीज पे जाना है और यहाँ से फ़िल्टर लगाना है। जैसे कि यहाँ पे आप गए, फ़िल्टर पे क्लिक करा आपने,
यहाँ पे जाना आपको, इक्विटी को अनचेक कर दो, ओके कीजिए। ओके करने के बाद आप इन सबको डिलीट कर दो, क्योंकि हमें सिर्फ इक्विटी के स्टॉक चाहिए, तो इन सारों को आप डिलीट कर दीजिए। ये डिलीट है ना, वापस वहाँ पे गए, इक्विटी को टिक कर दीजिए, जो हमारे इक्विटी के स्टॉक है वो आ गए सारे। अब फिल्टर को रिमूव कर दीजिए, ये सारे फिल्टर हट गया है ना, ये हमारे इक्विटी के सारे स्टॉक आ गए, ये टोटल लिस्ट आ गए जितने भी स्टॉक है। अब हमें सिर्फ इसमें से पेन स्टॉक फाइंड आउट करने हैं, आपकी जो भी डेफिनेशन हो, जैसे मेरे से 8 रुपये, आपकी जो भी हो, 10 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये, जो भी डेफिनेशन हो, कितने स्टॉक है मैं बता देता हूँ। आज की तारीख में NSE पे कितने ट्रेड कर रहे हैं, 1508 स्टॉक है ना। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो आप इनको सारे को डिलीट कर दीजिए, हमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइस चाहिए इसकी। ये सारे डिलीट कर दीजिए, ये कॉलम भी डिलीट कर दीजिए, ये डिलीट मारा हमने है ना, इसको भी हटा दीजिए, ये डिलीट कर दीजिए। अब आपकी डेफिनेशन के हिसाब से इसको शॉर्ट आउट करना है हमें, कि पेनी स्टॉक कौन से है ना। तो आप कुछ मत करिए, यहाँ पे क्लोजिंग क्लोज पर क्लिक कीजिए है ना, आपको शॉर्ट में जाना है, इस पर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पर जो क्लोजिंग प्राइस है इसको शॉर्ट बाय कीजिए है ना, क्लोजिंग प्राइस पे। अब यहाँ पे हमें स्मॉल टू, जैसे कि यहाँ पे हो सकता है कि आपके इसमें लार्ज जो भी आए, आप स्मॉल टू लार्ज कीजिए, ताकि जो स्मॉल प्राइस है वो ऊपर आ जाए, लार्ज प्राइस के स्टॉक सारे नीचे चले जाए। ये करा आपने। अब ये जितने भी स्टॉक हैं ये सारे आप देखिए, अब ये सारे छोटी प्राइस से स्टार्ट हो गए, हमारे पास ये सारी लिस्ट आ गई। आपकी जो भी डेफिनेशन है वो सारे स्टॉक को आप हटा दीजिए है ना। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे कि हम ये 20 रुपये तक के स्टॉक रखे, बाकी सारे को डिलीट कीजिए आप है ना। जैसे कि आपको जो भी रखना है ये सारों को डिलीट कर दीजिए। 20 रुपये तक के स्टॉक रखे हमने, ये 20 से ऊपर ऊपर के जितने भी स्टॉक हैं ये रखे हैं, आपको जितना भी रखना है। अभी ये इतने स्टॉक है ना, अब करना कुछ भी नहीं आपको, ये हमारे पास लिस्ट तैयार हो गई, कितने स्टॉक है क्या करना है। आपको BSE की साइड ओपन करके रखनी है, जब भी आप फुर्सत में रहे यही काम कीजिए। पेन स्टॉक फाइंड आउट करने का इससे अच्छा तरीका कोई सा भी नहीं। आप अब ये BSE की जैसे कि साइट ओपन हो गए, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, जो हमारी लिस्ट है ना उसमें से आपको एक एक स्टॉक यहाँ पे डालने हैं। ये थोड़ी मेहनत है, ये तो करनी होगी आपको, ऐसा कोई स्क्रीनर नहीं है या न्यूज़ वगैरह में आप देखोगे तो उलझोगे, आप तो खुद आपकी मेहनत कीजिए, जब भी फुर्सत में हो ये कीजिए। अब मान लीजिए कि मेरे को इस स्टॉक के बारे में पता लगाना है ना, तो इसको क्या करूँगा, Ctrl C कर लूँगा, यहाँ पर जाके Ctrl V कर दूंगा, अभी ये स्टॉक की डिटेल्स आ जाएगी। अब ये जैसे कि ये स्टॉक आ गया है ना, हमें कुछ भी नहीं करना है, कोई भी पेन स्टॉक हुआ यहाँ पे सीधा डालना है, कुछ आपको अभी इसके डेटा वगैरह ऐसा कुछ नहीं देखना है, क्योंकि पेन स्टॉक है तो ये तो मानो कि डेटा वगैरह ख़राब ही रहेंगे, कोई अच्छा नहीं होगा, तो इससे कोई मतलब भी नहीं है, है ना। आपको कुछ नहीं देखना है, जो प्रमोटर होल्डिंग है इसकी है ना, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, यहाँ पर क्लिक करना है आपको, सिर्फ यहाँ नज़र मारनी है, कहाँ पे नज़र मारनी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। आपको ये देखना है कि दिसंबर से मार्च में है ना, इसकी प्रमोटर होल्डिंग घटी या बढ़ी,
आपको इससे ज़्यादा कोई दिमाग लगाना ही नहीं है किसी स्टॉक में। अगर कोई कंपनी मल्टीबैगर बनेगी या अच्छा काम करेगी तो सबसे पहले प्रमोटर उनको ही पता होगा, उसके बाद ही न्यूज़ वगैरह इसमें आएगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये कौन सी नई बात है, यह तो हमें भी पता है, लेकिन यह गलत है दोस्तों, क्योंकि आपको यह देखना होगा कि कौन सा फैक्टर कहाँ पे काम करेगा, कौन सा एनालिसिस काम कहाँ पर काम करेगा। प्रमोटर होल्डिंग का अगर बड़ी कंपनी पे आप ले लीजिए, यही फैक्टर का यही एनालिसिस प्रमोटर होल्डिंग का बड़ी कंपनी पे कीजिए, बिल्कुल गलत रिजल्ट मिलेगा आपको। कहाँ पे जाएगा स्टॉक कुछ पता नहीं चलेगा, चाहे वो प्रमोटर डिक्रीज़ कर रहा हो या इंक्रीज़ कर रहा हो, क्योंकि वहाँ की कंडीशन अलग है। लेकिन पेनी स्टॉक में क्या है कि जो भी डिसीजन लेने वाला है वो खुद प्रमोटर है, ऑलरेडी स्टॉक बिल्कुल गिरा हुआ है, तो स्वाभाविक है अगर वो कुछ अच्छा करेगा तो सबसे पहले खरीदने वाला वो खुद होगा। और मान लीजिए कि कोई डिसीजन ले रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि वो रातम रात ले रहा है, कम से कम उसकी 1-2 साल की प्लानिंग होगी, तब जब जाके फाइनल डिसीजन लेने वाले होंगे 2-3 महीने पहले, तो स्वाभाविक है कि उसके बीच में वो ज़रूर उनकी होल्डिंग इंक्रीज़ करेंगे। तब आपको भी करनी है, उनका डेटा पे नज़र रखना है। इसकी जगह आप रिजल्ट ले लीजिए, रिजल्टों का आप पेनी स्टॉक पे लगा के देखिए, चाहे अच्छा रिजल्ट दे रहा है ना, 1-2 क्वार्टर दे देगा। मान लीजिए कि प्रमोटर इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, रिजल्ट अच्छा दिया है, आपका एनालिसिस बिल्कुल गलत होगा, आप फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वापस स्टॉक गिर जाएगा। जब प्रमोटर को ही यकीन नहीं कि उनका रिजल्ट एक दो उनको पता है कि 1-2 क्वार्टर अच्छा जा रहा है, वापस गिरेगा। वो इंक्रीज़ तभी करेंगे जब उनको यकीन होगा कि आने वाले समय में अच्छा करेगी कंपनी, तो उस बीच हमें भी उनके साथ में एंट्री लेनी है। और इसके अलावा पेनी स्टॉक में आगे जाके अच्छा होगा नहीं होगा, इसके अलावा तीसरा कोई सा भी फैक्टर नहीं है, या दूसरा कोई सा भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे आप फाइंड आउट कर सको कि आगे जाके मल्टीबैगर स्टॉक बनेगा या नहीं बनेगा। जितने भी बताते हैं मीडिया में, न्यूज़ वगैरह में, ये सारे बकवास है, ये मान लो आप। वो इसलिए क्योंकि कर्ता धर्ता जो है वो प्रमोटर खुद हैं, वो सबसे पहले एक्शन लेगा, चाहे वो शेयर खरीदने में हो या डिसीजन लेने में हो, उसके पहले मीडिया को इनको थोड़ी न पता चल जाएगा। और वो बिजनेसमैन है, कोई ऐसा भी नहीं कि उनकी जानकारियाँ वो इतने आसानी से लीक कर देंगे। 3 महीने में 3-4 घंटे आप इसी काम में दीजिए, है ना, हर 3 महीने में ये अपडेट होता है। जैसे ही प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज़ होगी आपको पता चल जाएगा, आप खरीद के रख लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करना। धन्यवाद।